और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड ओपन कैसे करना है। हम कोई भी एप्लीकेशन तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका टास्क बार पे क्लिक करके यहां से ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी का नाम है। ऑफिस ऑफिशियल काम के लिए यूज किया जाता है। वर्ड एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस के चार पार्ट हैं। एमएस वर्ड है फर्स्ट, सेकंड एमएस एक्सेल, थर्ड एमएस पावर पॉइंट और फोर्थ एमएस एक्सेस। 2007 क्या होता है? 2007 वर्जन है एमएस ऑफिस का। 2016 वर्जन भी आ चुका और 2007 से पहले हम 2003 वर्जन पढ़ते थे। ऐसे ओपन करेंगे। नेक्स्ट है विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और रन में विन वर्ड लिखना है आपने। विन वर्ड लिख के ओके करेंगे, विन वर्ड लिख के ओके करेंगे तो भी आप विनवर्ड लिख के ओके करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। और एक है आपका डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है, जैसे ये आपका डेस्कटॉप पे फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे तो आप ऐसे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज का यूज क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड? लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया जाता है। कोई भी डाटा टाइप, जैसे कि डाटा टाइप में कोई नोटिस होता है, स्कूल में कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगते हैं, तो वर्ड का यूज लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए और रिज्यूम बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, यहां पे लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नेम है, वर्ड ऑफिस का पार्ट है, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के अंदर जो आपका पेज है, एरिया है, वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है। तो टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होता है। टाइटल से हमें पता लग जाता है कि हमने कौन सी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। जैसे अपन ने एमएस पेंट पढ़ा था तो यहाँ पे पेंट लिखा हुआ आया था। टाइटल बार के राइट साइड में तीन बटन होते हैं, क्लोज क्रॉस का निशान है, ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की होती है, कोई भी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। अगर आपने फाइल का मैटर सेव करना है तो यस करेंगे, नहीं करना तो नो करेंगे। सेकंड बटन आपका रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन छोटी स्क्रीन पे आपका एप्लीकेशन आपको शो होगा। मींस क्या होता है इसका मतलब, पीछे से या साइड से आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है और दोबारा हम उसी ऑप्शन पे जाएंगे, मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे आपकी विंडो हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड बटन मिनिमाइज। मिनिमाइज में मिनिमाइज हो गया मतलब कि डेस्कटॉप पे आगे टास्क बार पे क्लिक करके आप दोबारा से उसको ओपन कर सकते हो। यहां पे ऑफिस बटन है स्टूडेंट, किसी भी ऑप्शन पे हम रखेंगे उसकी शॉर्टकट की, उसका नाम और उसकी डेफिनेशन आपको साथ में शो कर देगा नीचे। तो ये जो ऑफिस बटन है इसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओपन सेव प्रिंट समथिंग ऑप्शन ओपन होंगे। उसके बाद टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारे टैब होते हैं, TAB टैब। बाय डिफॉल्ट सात टैब होते हैं, दो टैब और आएंगे
जैसे हम इंसर्ट में पिक्चर वगैरह के ऑप्शन पढ़ेंगे, फॉर्मेट और डिजाइन दो टैब और आते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे टैब, टैब के नीचे ये जो ऑप्शन है या ये जो है टूल बार है, इसको रिबन बार कहा जाता है, रिबन बार। उसके बाद है स्टूडेंट, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर पेज की सेटिंग के काम आता है, वर्टिकल रूलर भी पेज की सेटिंग के काम आता है। पेज की सेटिंग कैसे, मैंने अपना लिखा हुआ टेक्स्ट सेलेक्ट किया और रूलर को इधर कर दिया, तो इसकी पेज की सेटिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट भी इतना ही उधर चला गया, वापिस से ये यहां आपने रखना है कर्सर, यहां कर्सर रखोगे लेफ्ट बटन दबा के वापिस ले जाएंगे। ऐसे ही ये हमारा वर्टिकल रूलर होता है, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट को रखा, अब आप प्रिंट निकाल लेते हो पेज का, तो कंप्यूटर ऊपर से पेज इतना ब्लैंक रखेगा, यहां से आपका मैटर सेट होगा, प्रिंट होगा। तो पेज की सेटिंग करने के लिए रूलर का यूज किया जाता है, रूलर को या रूलर से हम पेज के मैटर को अप डाउन में कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे है वर्टिकल स्क्रॉल बार पेज को अप डाउन करने के लिए, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रही। एक बार हमने जूम साइज चेंज करना है, एमएस वर्ड का मैक्सिमम जूम साइज 500 होता है, 500% जूम एमएस वर्ड का होता है, 500% मैक्सिमम जूम। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गई पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए, ये नॉर्मल 100% जूम पे नहीं आएगी, नॉर्मल जूम हमारा 100% होता है और मिनिमम जूम हमारा 10% होता है। पेज 101 लिखा है, ये एमएस वर्ड की स्टेटस बार होती है, स्टेटस बार पे डॉक्यूमेंट की समरी शो होती है। समरी का मतलब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज 101। 101 का क्या मतलब है, हमारे पास एक ही पेज है और हम एक ही पेज है तो हम फर्स्ट ही पेज पे हैं। अगर आपने और पेज बनाने हैं, या तो एंटर की प्रेस करनी है, दबाए रखनी है, या कंट्रोल एंटर से शॉर्टकट से जल्दी बनते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे आया 12 of 12, इसका क्या मतलब है, हमारे पास 12 पेज हैं और हमारा कर्सर 12वें पेज पे है। अगर मैं किसी और पेज पे क्लिक कर दूं, अब आपका स्टेटस बार पे आया है 2 of 12, हमारा कर्सर 2 नंबर पेज पे है और 12 पेज हैं, वर्ड्स 24 वर्ड लिखे हुए हैं, अपन ने यहाँ पे 24 वर्ड लिखे हैं। अगर हम वर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाया है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आया, कोई भी ऐसा बॉक्स आता है वो या उसको कॉमन डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, वर्ड काउंट पेज 12, 12 पेज हैं, 24 वर्ड लिखे हुए हैं, करेक्टर 67, करेक्टर जैसे डीजी 2 हो गए, एफडी और डीजी 4, फिर ये 3 है 7, ऐसे आपके करेक्टर, नो स्पेस, स्पेस काउंट नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका करेक्टर विद स्पेस, जहां पे स्पेस होगा स्पेस भी काउंट होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ, 14 पैराग्राफ हैं और 44 लाइंस हैं। एक चेक बॉक्स पे क्लिक है यहाँ पे, इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स फुटनोट एंड एड नोट, फुटनोट कमांड एड नोट कमांड हम रेफरेंस टैब में पढ़ेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट पे ये चीजें इंसर्ट करनी है
या कर रखी हैं, हमने उसको काउंट करना है तो क्लिक करेंगे। अगर देखे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ इनका एक बार ध्यान रखते हैं, हम यहाँ पे आके कोई भी शेप ले लेते हैं। अब हम वर्ड काउंट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे इसको काउंट करेगा जिस भी लाइन में आएगा। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट के अंदर होती है, वैसे तो आगे से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रैग अगर करते हैं, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, अब इसको ड्रैग करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड्स में, तो देखिए स्टूडेंट लाइंस जो है 45 हो गई, अगर आप क्लिक हटा देते हो तो 44 है। तो पेज पे इंसर्ट कर रखा है और आपको इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे ऊपर हमारे टाइटल बार के जस्ट नीचे टैब, जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे उसके यहाँ ऑप्शन खुलेंगे, इनको इसको रिबन बार कहा जाता है। डॉक्यूमेंट पे टाइप किया गया मैटर हमारा, टेक्स्ट, डाटा, मैटर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, और जूम साइज ज्यादा करेंगे, एक यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज 101 लिखा है, 12 स्टेटस बार, स्टार्ट जिस पे लिखा है टास्क बार। यूजेज में बता दिए आपको। एक चीज और होती है, एमएस वर्ड की एक्सटेंशन .docx होती है, .docx मतलब है डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, जो एरिया आया है वो आपका पेज होता है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ना अपने टैब चले गए, हम किसी पे जाएंगे, वापिस आ गए, कोई ऑप्शन करने फिर चले गए, हमने ये टैब परमानेंट रखने हैं। किसी भी टैब पे आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक लेफ्ट बटन से दो बार क्लिक किसी भी टैब पे, अब जो है परमानेंट आ जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। एक चीज और देखे स्टूडेंट, हमने इन पे या इनको कीबोर्ड से ओपन करना है, माउस से नहीं करना, तो हमने शॉर्टकट की यूज करनी है। हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद हर टैब के नीचे एक एक अल्फाबेट आया है आपका। अब हमने जैसे पेज लेआउट टैब पढ़ना है, तो पेज लेआउट के लिए हम क्या करेंगे, पेज के लेआउट के नीचे पी आया है, मैंने पी प्रेस कर दिया। पेज लेआउट के नीचे पी प्रेस करने से पेज लेआउट के ऑप्शन खुल गए। अब उसके अंदर भी शॉर्टकट की आई हुई है, यहाँ पे जैसे अपने पेज बॉर्डर पढ़ना है तो यहाँ पे है पीबी। अब अपने सिर्फ पीबी प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन खुल गया, या कॉमन डायलॉग बॉक्स खुल गया। हम यहाँ कीबोर्ड से जाना है अलग ऑप्शन पे, तो टैब की से जाएंगे, माउस पे आपकी टैब की होती है। अगर इसको हटाना है कीबोर्ड से तो हमने ESC एस्केप की का यूज करना है, एस्केप की आपका कैंसिल का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन में से आपको कुछ भी पूछना हो, आज की क्लास में आपका इंट्रोडक्शन ही करवाएंगे। किसी भी बच्चे को एक चीज और देखो, एमएस वर्ड में टू टाइप्स के डॉक्यूमेंट होते हैं, दो प्रकार के पेज होते हैं, एक आपका होता है पोर्ट्रेट और एक हमारा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेज की लंबाई होती है और लैंडस्केप पेज की चौड़ाई होती है। तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, पेज लेआउट में ओरिएंटेशन में, यहां पे आपका पेज का ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है।
कोई भी ऑप्शन या कोई भी लाइन आपको समझ नहीं आई हो, इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया? हेलो मैम। जी बोलो मैम, ये जो टैब बार की शॉर्टकट की है ना, इसको क्लोज करने का बताइए, शॉर्टकट की क्या थी? मैंने बताया कि हम इस पे कैसे जाएंगे, ओल्ट की प्रेस करेंगे। यस मैम। ओल्ट की हमने प्रेस की तो एक एक अल्फाबेट आ गए ना सबके नीचे। हाँ मैम। एग्जांपल हमने व्यू पढ़ना है तो हमने क्या करना है, डब्लू प्रेस करना है, इसके नीचे डब्लू आया है, डब्लू आ गया। अब हमने इसको कैंसिल करना है शॉर्टकट की, तो आप एस्केप की प्रेस कर दो या दोबारा से आप ओल्ट दबा दोगे तो चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। एक और देखे स्टूडेंट, एमएस वर्ड में हम कुछ टाइप करते हैं या हमें टाइप करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ डाला हुआ है इक्वल RAND रेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर करेंगे आपको पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाएगा, हमने मैटर लिखना नहीं पड़ेगा। अब पूछो किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।